नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज हम के लेके आए हैं यार वीवो का एक लेटेस्ट लॉन्च मॉडल, जो कि वाई सीरीज में जो है कुछ ना कुछ लॉन्च करता रहता है वीवो, तो उसी तरीके से लॉन्च कर दिया है Y91। लेकिन यार 2019 में इंडिया में ही आया है फोन, कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि यार ये जो सेगमेंट है, क्योंकि यार वीवो समझ नहीं रहा कि अब 2019 आ चुका है। रेडमी जैसे फ़ोन जो है स्नैपड्रैगन 660 वाले जो है 11,000 रुपये की प्राइस में आ रहे हैं, जो कि है 3GB 32GB, तो ये वाला फ़ोन जो है क्या 11,000 रुपये में टिक पाएगा? तो अवेलेबल है हमारे पास वीवो का Y91, जिसका प्राइस है 10,990 रुपये, मतलब 11,000 रुपये। देखते हैं क्या ये फ़ोन जो है टक्कर दे पाता है दूसरे ब्रांड को या फिर जो है दूसरे मॉडल्स को। तो कर लेते हैं जल्दी से इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। और इसके अलावा आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करो सब्सक्राइब, आपको मिलेगा इस वीडियो में सब्सक्राइब का बटन जो कि होगा लाल का, दबा के कर दो जल्दी से ग्रे, और जो है बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं अनबॉक्सिंग। तो आपको जो है बॉक्स कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देता है, जो कि है वीवो का बॉक्स, जहां पर मेंशन है Y91 और लिखा हुआ है बिगर बैटरी और मोर फन। यहां पर वाटर ड्रॉप नॉच वाला फोन आपको जो है देखने को मिल जाता है, जो कि इमेज लगी हुई है। कॉर्नर पे है वीवो कैमरा एंड म्यूजिक और 32GB स्टोरेज। एंड बॉक्स के बैक साइड में जो है थोड़ा बहुत मेंशन है, फुल व्यू डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा और बिग बैटरी, और इसके अलावा जो है कुछ भी मेंशन नहीं है। देखते हैं बॉक्स के राइट और लेफ्ट साइड में, तो वही IPL स्पॉन्सर के अलावा जो है कुछ भी नहीं लिखता है वीवो। तो बस कर देते हैं इस फोन को जल्दी से अनबॉक्स। बॉक्स को अनबॉक्स करते समय मिलता है हमें एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर अवेलेबल होगा एक सिलिकन केस, और सिलिकन केस के अलावा साथ में अवेलेबल है यहाँ पर मैनुअल गाइड। साथ में अवेलेबल है हमारे पास वीवो का एक फोन, जो कि है Y91। आप देख सकते हैं ये है को इसका फ्रंट डिजाइन। देखते हैं बैक डिजाइन से, तो आपको मिलता है यहाँ पर ग्रेडियंट कलर, जो कि है ड्यूअल शेड के साथ में। काफी अच्छा लुक लग रहा है यार यहाँ पर जो है ग्रेडियंट कलर, ऑलमोस्ट जो है वीवो के प्रीमियम सेगमेंट जैसा फील आ रहा है हमें यहाँ पर। एक बार रखते हैं इसको साइड में, देखते हैं इसके अलावा जो है बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है। साथ में आपको मिल जाता है सिम इंजेक्ट टूल पिन, साथ में हमें मिल जाती है एक डेटा केबल, जो कि है नॉर्मल USB केबल, और साथ में आपको मिल जाता है एक अडैप्टर, जहां पर हम आउटपुट की बात करते हैं तो वही है 5 वोल्ट और 1.0 एम्पीयर का। तो बस यार यही एक्सेसरीज आपको जो है बॉक्स में देखने को मिलती है। तो ये है हमारा वीवो का Y91, जो कि एक लेटेस्ट लॉन्च किया है यहाँ पर वीवो ने 11,000 रुपए की प्राइस में। हम बोल सकते हैं डिजाइन जो है काफी अच्छा है, लेकिन देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या, डिजाइन की तरह ये अच्छा है इसका परफॉर्मेंस फिर जो है नहीं है। कर देते हैं इसको स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले लेते हैं फोन का फिजिकल ओवरव्यू। तो आपको यहां पर जो है 6.22 इंच का आपको जो है डिस्प्ले साइज देखने को मिला था है, जो कि है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। यहां पर आपको जो है कुछ इस तरीके का शेड जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि आप ये देख ही रहे हैं। यहां पर बात करते हैं फोन के लेफ्ट साइड में, तो फोन के लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है यहां पर सिम ट्रे, जहां एक अच्छी बात यह है कि हमें मिल जाता है ड्यूअल सिम के साथ में मेमोरी कार्ड सपोर्ट। देखते हैं फोन के अपर साइड में, तो कोई भी की, कोई भी स्लॉट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं फोन के राइट साइड में, आपको मिलता है वॉल्यूम अप डाउन की, और साथ में मिलता है पावर ऑन ऑफ की। देखते हैं फोन के नीचे की साइड में, आपको मिलता है यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट, साथ में है 3.5mm जैक, और स्पीकर आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो कर देते हैं फोन को जल्दी से स्टार्ट, देखते हैं कि फोन का परफॉर्मेंस हमें जो है कैसा दिखाई देता है। जब तक ये फोन स्टार्ट हो जाता है, हम इसमें जो है स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले साइज है वो मिलता है 6.22 इंच का डिस्प्ले, जो कि है IPS LCD स्क्रीन के साथ में। यहाँ पर आपको डिजाइन मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच। रेजोल्यूशन आपको मिलता है 720x1520, जो कि है HD+ के साथ में। चिपसेट आपको मिलता है यहाँ पर मीडियाटेक का 6762, जहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पर रैम वेरियंट आपको मिलता है, जो कि है 2GB की रैम और 32GB की स्टोरेज। एंड यहाँ पर कैमरे की बात करते हैं, तो बैक साइड आपको मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा, जो कि है 13MP+2MP का जो है ड्यूअल रियर कैमरा। फ्रंट कैमरा जो आपको मिलता है वो है 8MP का। बैटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है, जो कि है 4030mAh की बैटरी। और सिक्योरिटी में आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो ये फोन हो गया है स्टार्ट। आप देख सकते हैं आपको जो UI है कुछ इस तरीके से मिलता है, जो कि है सभी फोन का सेम। यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन जो है प्रीलोडेड देखने को मिल जाती हैं। चलते हैं फोन की सेटिंग में, देखते हैं यहाँ पर वर्जन कौन सा है या फिर जो है क्या ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है, स्टोरेज में कितना GB फ्री मिलता है। तो हम आ गए हैं मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग के बाद में आपको चलते हैं अबाउट फोन की तरफ। यहाँ पर मेंशन है IMEI नंबर वगैरह, और यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन जो कि है वो है 8.1.0।
तो ये आपको जो है देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मेंशन है 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड 2 GB रैम को जो है देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो है रोम वो है 32 GB का स्टोरेज। देखते हैं स्टोरेज स्पेस, तो वहाँ पर आपको मिलता है 32 GB में से ऑलमोस्ट जो है 23.70 आपको जो है स्पेस फ्री देखने को मिल जाता है। तो ये था फोन का अबाउट डिवाइस वाला वर्जन। और चलते हैं हम यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की तरफ, देखते हैं कि इसके डिस्प्ले का परफॉर्मेंस हमें जो है कैसा दिखाई देता है। करते हैं हम इसमें एक वीडियो प्ले और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है हमें कैसा दिखाई देने वाला है डिस्प्ले क्वालिटी का। तो हमने यहाँ पर एक वीडियो प्ले किया जहाँ पर हमने देखा कि डिस्प्ले का परफॉर्मेंस हमें जो है एक अच्छा दिखाई देता है, एक एवरेज हमें बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो IPS डिस्प्ले है वो यहाँ पर काफ़ी ब्राइट होता है। वीवो का हमने देखा है यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले जो है हमें देखने को मिलता है IPS स्क्रीन के साथ में। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके डिस्प्ले का परफॉर्मेंस हमें जो है अच्छा दिखाई देता है। बट रेजोल्यूशन वाइज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है एक एवरेज देखने को मिलता है जो कि है HD डिस्प्ले के साथ में। एंड यहाँ पर करते हैं यहाँ पर कैमरे की बात, जो कि है 13MP+2MP का जो कि है ड्यूअल रियर कैमरा, मतलब आपको पोर्ट्रेट शॉट आपको जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8MP का। करते हैं कुछ इमेजेस कैप्चर फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही, देखते हैं कि यहाँ पर जो है कैसा परफॉर्मेंस हमें जो है कैमरे का देखने को मिल जाएगा। हमने जो है यहाँ पर कुछ इमेजेस कैप्चर कर ली है फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही। ये वाली जो है आप देख सकते हैं इमेज जो है नॉर्मल मोड पे कैप्चर की गई है, और इसी की जो सेकंड वाली इमेज है वो कैप्चर की गई है पोर्ट्रेट मोड पे। एंड यहाँ पर जो है थोड़ी सी डार्क लाइट कंडीशन में कैप्चर की गई है ये वाली इमेज, जो कि है नॉर्मल मोड के साथ में, एंड ये है पोर्ट्रेट मोड के साथ में। एंड ये वाली जो है थोड़ी सी ब्राइट लाइट में कैप्चर की गई है, तो देख सकते हैं इसका जो है पोर्ट्रेट मोड। तो ये थी यहाँ पर बैक कैमरे की इमेजेस। फ्रंट कैमरे की इमेजेस जो है हमें कैमरेज देखने को मिल जाती है, हम ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते। एंड यहाँ पर जो है सेकंड वाली इमेज जो है ये है, हम ये बोल सकते हैं यार पोर्ट्रेट मोड का जो मज़ा है, मतलब 2MP के साथ में इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, जो कि यार एक यहाँ पर एक एवरेज सी फोटो आपको जो है देखने को मिल जाती है इस फोन के साथ में, जो कि शायद इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटर ब्रांड जो है दे देता है। तो यार यहाँ पर जो है कैमरे के साथ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। फ्रंट कैमरा आपको एक एवरेज देखने को मिलता है, एंड रियर कैमरे में जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें बिल्कुल भी अच्छा जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये था कैमरे का परफॉर्मेंस। अब चलते हैं फोन की सिक्योरिटी की तरफ, हम देखते हैं कि फोन की सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस आपको जो है कैसा देखने को मिल जाता है। हम आ गए हैं फोन की सेटिंग में, चलते हैं लॉक स्क्रीन, एंड यहाँ पर चलते हैं फिंगरप्रिंट की साइड में, फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासवर्ड सेट करता हूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक। तो हमने यहाँ पर कर लिया है फेस और फिंगरप्रिंट को दोनों को ही रजिस्टर्ड। मैं भी करता हूँ फिंगर से अनलॉक इस फोन को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोन जो है अनलॉक हो गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिंगरप्रिंट का परफॉर्मेंस जो है हमें काफी अच्छा जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं फेस लॉक की, मैंने कर दिया है फेस को भी रजिस्टर्ड, करता हूँ इसको अनलॉक। तो ये हो गया अनलॉक। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फेस का परफॉर्मेंस भी जो है हमें एक अच्छा दिखाई देता है। ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले क्वालिटी जो नो डाउट हमें एक अच्छी देखने को मिल जाती है IPS LCD स्क्रीन के साथ में। साथ में हम बात करते हैं कैमरे की, तो वहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस हमें जो है देखने को मिलता है। सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस हमें जो है एक अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें जो है मैंने जब से इसको यूज़ किया है थोड़ा बहुत मुझे जो है लैगिंग का इशू भी जो है देखने को मिल रहा है, जो कि है यहाँ पर 2GB रैम के साथ में ये फ़ोन, शायद इसलिए हो सकता है कि लैगिंग का इशू हमें जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर मुझे लैगिंग का इशू देखने को मिला। लैगिंग इट मीन्स मैं जब उसको प्रेस कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत जो है थोड़ा टाइम ले रहा है उसको वहाँ पर प्रेस होने के लिए। तो बस यही इशू था। तो ये था आज की वीडियो में इसके अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू। तो यार ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है इस फोन के बारे में, Vivo Y91 के बारे में। क्या ये फोन जो है 11,000 रुपये के लायक है या फिर जो है नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, आपको मिलेगा जो है इस वीडियो में सब्सक्राइब का बटन जो कि होगा लाल कलर का, दबा के कर दो उसको ग्रे, और साथ में जो है बेल आइकन मतलब घंटे में जो है क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज का अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।